मनोज जोशी के चाणक्य के मंचन से शुभारंभ, सटीक संवाद और बेहतरीन अभिनय से रूबरू हुए दर्शक। भारत उत्कर्ष, नवजागरण और बृहत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना पर एकाग्र विक्रमोत्सव 2023 विक्रम संवत 2079 के अंतर्गत विक्रम नाट्य समारोह का शुभारंभ हो गया है। पहली प्रस्तुति बॉलीवुड अभिनेता व फिल्म डायरेक्टर मनोज जोशी द्वारा निर्देशित नाटक चाणक्य की हुई। यह नाटक बताता है कि आज चाणक्य सदृश नीति नियंता की आवश्यकता है, हमें उसके कौटिल्य वाले पक्ष को समझने की आज अधिक जरूरत है। और ये संदेश दिया गया कि राष्ट्र से महान कुछ नहीं होता है, स्वत्व, परिवार, समाज, नागरिक, धन संपदा इत्यादि सभी राष्ट्र के सम्मुख द्वितीय श्रेणी में रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, बेहतरीन अभिनय, खूबसूरत मंच के साज सज्जा और सटीक संवादों ने दर्शकों को पूरे समय बांधे रखा। चाणक्य की दूरदर्शिता, योजनाबद्ध तरीके से कार्य का क्रियान्वयन और समर्पण को मंच पर मनोज जोशी ने बखूबी दर्शकों के सामने पेश किया। पौराणिक कहानी के मंचन में आकर्षण का केंद्र बिंदु अभिनेता मनोज जोशी ही रहे। उनके सधे अभिनय और टाइमिंग को टीवी और फिल्मों की तरह थिएटर में दर्शकों का प्यार मिला। अक्सर हास्य भूमिकाओं में गुदगुदाने वाले मनोज जोशी जब भी चाणक्य के किरदार में आते हैं तो उनका अलग ही रूप दिखता है। एक्टर मनोज जोशी इस समय अपने नाटक चाणक्य के मंचन को लेकर उज्जैन आए हैं। मनोज जोशी ने कहा कि चाणक्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने मध्य युग में थे। आज भी उनके विचार अगर कोई अपने जीवन में अपना ले तो उसका कल्याण हो जाए। आज दुनिया के कई देशों में चाणक्य पढ़ाया जाता है लेकिन हमारे देश में उसकी कोई कद्र नहीं है। मनोज जोशी ने माना कि वर्तमान राजनीति में चाणक्य और चंद्रगुप्त के रास्ते पर लोग चल रहे हैं।